हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब एनके मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत के वो सारे क्वेश्चन जो सीएचएसएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। टीयर वन की मैं बात कर रहा हूं और जो एग्जाम डेट है आप देख सकते हैं 9 से 21 मार्च 2023 तक ये पेपर हुआ था। पेपर में जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आए थे लगभग 32-35 क्वेश्चन है, वो बाइलिंगुअल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी और कोई सॉरी डाउट भी आप वहां पे अपना शेयर कर सकते हैं। इवन डाउट शेयर करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे डाउट शेयर कर सकते हैं और काफी लोगों ने डाउट शेयर कर रखा है। धीरे धीरे मैं सबके जवाब भी देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एवरेज के पैसे पहले मैंने परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें लेटेस्ट जो एसएससी का पेपर है सीएचएसएल का, उसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में मैंने परसेंटेज और रेशियो के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, बाइलिंगुअल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जो भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आपको समय पे मिल सके। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 32 दिस एंड एक्स इज 30, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी बना लेगा, फिर भी मैं करके दिखाता। पहला तरीका जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि सबका सम करके और डिवाइड कर लें इनके नंबर से, इक्वल टू हम कर लें 30 को। ठीक है, योगफल बटा संख्या जो होता है बेसिक सा रूल, या फिर आप मेरी मानो तो सबका जो चूंकि एवरेज इसमें 30 दे रखा है तो आप मान लो सारे नंबर 30 होने चाहिए। और अगर सारे नंबर 30 होने चाहिए तो देखो ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 ज्यादा है, 30 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये 8 ज्यादा है, ये कितना कम है 9 कम है और ये 4 कम है, तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा आप देखोगे कि ये 8 4 12 और 2 14 और ये 9 4 13, तो ओवरऑल 1 प्लस में बच रहा है। तो जो 1 है प्लस में यहाँ ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ओवरऑल 1 ज्यादा बच रहा है, तो जो एवरेज होगा या फिर जो वैल्यू होगा x का वो 1 कम होगा यानी कि 29 होगा, क्योंकि पहले से ही 1 फालतू है, तो जो नया नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं x को उसकी वैल्यू 1 कम रहनी चाहिए तभी एवरेज 30 हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं। एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60 kg, अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ 21% बिकम 59 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। बहुत ही बेसिक सवाल और ट्रिकी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। 20 व्यक्तियों का भार अगर 60 kg है, एक इसमें आदमी और शामिल हो जाता है, ठीक है, अब औसत भार 59 हो जाता है, यानी कि देखो उसके आने से 1 kg भार कम हो गया, और कितने लोगों का भाई, 21 लोगों का भार कम हो गया, यानी कि ओवरऑल 21 kg का कमी आ रहा है, तो 21 kg का कमी तभी आएगा जो नया आदमी 60 से 21 कम हो, तो 60 में से 21 को आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा अपने पास 39, राइट। थर्ड क्वेश्चन है अपने आप पास, एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg, अ न्यू पर्सन इतना आ गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 16%। ठीक है, 15 व्यक्तियों का भार जो है वो 30 है, नया आदमी आ गया जिसका भार 78 है, तो टोटल 16 लग, देखो एक तो फिर से वही कर सकते हो कि 15 का टोटल 15 × 30 450 हो जाएगा और प्लस 71 डिवाइडेड बाई 16 कर दोगे, ये बेसिक सा तरीका हुआ। दूसरा तरीका अपने पास है कि देखो 30 kg अगर एवरेज था तो जो नया आदमी आना था उसका वेट भी 30 kg होना चाहिए था, लेकिन जो आया वो 30 से कितना ज्यादा लेके आया है, 48 एक्स्ट्रा लाया है, तो ये 48 अब 16 लोगों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एवरेज 3 बढ़ जाएगा, पहले 30 था अब 33 हो जाएगा 3 बढ़ के। ठीक है, और ये अच्छा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27 इफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर्स टू दोज 9 ऑड नंबर्स आर इंक्लूडेड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखो ये पहले भी मैंने किया है कि एवरेज सेम ही रह जाएगा, मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में करा रखा है, चाहे जितने भी मान लो मैं 3 ऑड नंबर्स की बात करता हूं, लेट से पहला और जो बीच का मिडिल ऑड नंबर मैं मानता हूं वो मान लो मैं 11 का लेता हूं, तो इसका पिछले वाला 9 होगा और अगले वाला 13 होगा, इनका एवरेज फिलहाल 11 है। अब मैं कहूं कि एक इससे पहले वाला नंबर मैंने ले लिया यानी कि 7 को और इसके बाद वाले नंबर को ले लिया यानी कि 15 को, अब बताओ एवरेज क्या होगा, तो अभी भी एवरेज 11 ही रहेगा, क्योंकि देखो हमने 2 कम वाला एक नंबर लिया और 1 2 ज्यादा वाला नंबर लिया, तो जितना कम किया उतना ज्यादा भी कर दिया, तो ओवरऑल एवरेज सेम ही रह जाएगा। ठीक है, इस पे आप एबीसीडी कोई भी नंबर लेके करोगे इनका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और अच्छे से मैंने इसको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्कूल। देखो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एवरेज की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है
तो जरूर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते थे फिलहाल के टाइम से, एसएससी की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो 2020 से आपको 22 तक के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। 22 वाला तो अभी मैं कर ही रहा हूं आज, इससे पहले 2020 की, 21 की, 19 की सबका सोल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज सोल्यूशन में बात कर रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखिए। ऐसे ही सीजीएल की मिल जाएगी, सीजीएल टीयर 1 की, टीयर 2 की, दोनों की मिल जाएगी, आप जाके जरूर से देख लेना एवरेज की, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हाँ, एक स्कूल में जो वेट है लड़कियों का वो 30 केजी और 36 केजी, ठीक है। ये बात हो रही है लड़कियों का और लड़कों का। अब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ ऑल। देखो यहाँ पर ग्रुप एवरेज की बात कर रहा है, और ग्रुप एवरेज के लिए मैंने कई बार फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला N1A1 + N2A2 और डिवाइडेड बाई N1 + N2, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इवन आप इसके बदले में एलिगेशन भी यूज कर सकते हो, वो उतना ही आसान होगा जितना कि ये फॉर्मूला। फिलहाल फॉर्मूला में यूज कर लेता हूं। देखो एन क्या है, नंबर, ठीक है। तो पहले आप देखो कि नंबर की बात करें तो गर्ल्स और बॉयज की अगर आप बात करो तो नंबर में रेशियो दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से डबल है, यानी कि बॉयज एक है तो गर्ल्स दो, ठीक है। ये नंबर की बात हो गई। एवरेज की बात कर लो आप, तो दिया है कि यहाँ पर लड़कियों का एवरेज है 30 और लड़कों का है 30, तो यहां से आप ग्रुप एवरेज लिख सकते हो। डायरेक्ट ग्रुप और एवरेज, डायरेक्ट N1 × A1, यानी कि 30 × 60 और +30 = 30 और बटा नंबर 2 और 1 = 3, तो 20 × 60 और 10 × 30, 20 और 10 = 30 आएगा। 30 आया ही नहीं, एक मिनट। अच्छा, नहीं आने का कारण यह है कि यहाँ पे ये 36 दे रखा है बॉयज वाला, तो ये 36 लेना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो अब ये 96/3 हो जाएगा, तो ये 32 आएगा, राइट। ऑप्शन डी विल द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 50 यूनिट, ठीक है। 286 लड़कों का जो स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है वो कितना है, 50 यूनिट। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज इज 53 एंड द गर्ल्स इज 31, यानी कि लड़कों का एवरेज 53, लड़कियों का एवरेज 31। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो होना चाहिए, रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बॉयज एंड द टोटल हाइट ऑफ गर्ल्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि लड़कों की कुल हाइट निकालनी है, लड़कियों की कुल हाइट, और आपको एवरेज बताना है। अब सबसे पहला तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है एलिगेशन का। एलिगेशन कैसे निकालेंगे, जैसे देखो मैंने ये लिख लिया, इधर बॉयज हो गए, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने ले लिया गर्ल्स को, ठीक है। बॉयज का जो एवरेज है यहाँ पर वो अपने पास 53 है, गर्ल्स का एवरेज जो है वो 31 है, ओवरऑल एवरेज जो क्लास का है वो 50 यूनिट है। अब ये माइनस करोगे तो ये आपको 19 यूनिट देगा, और ये कितना देगा, 3 यूनिट, यानी कि बॉयज का नंबर अगर 19 है तो गर्ल्स का नंबर कितना है, 3 है। अब ओरिजिनल नंबर निकालने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिनल नंबर निकालोगे तो भी लास्ट में वो जितना यूनिट कैंसिल आउट होना है उतना हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये मान लो कि रेशियो हमें बताना है, तो रेशियो में हम इसी रेशियो को यूज कर लें। बेसिकली नंबर का रेशियो आ रहा है कि बॉयज का नंबर और गर्ल्स के नंबर का रेशियो जो है वो 19:3 है। ओरिजिनल नंबर लाने के लिए आपको 19 और 3 = 22 को इक्वेट करना होगा 286 से, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के फर्दर आप उसको सॉल्व करोगे। फिलहाल हमें बताना है कि टोटल एवरेज या फिर टोटल लेंथ, टोटल हाइट कह सकते हो आप बॉयज की। तो देखो एक लड़के की जो हाइट है वो 53 यूनिट है, ऐसे ऐसे 19 बॉयज हैं यहाँ पर, और एक लड़की की हाइट कितनी है भाई, 31, और ऐसे ऐसे कितनी लड़कियां हैं, 3 यूनिट। तो 31 3 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 93 जिसमें होगा वो आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हो। इस स्लाइड में आप देख सकते हो अपने पास है जो टॉप प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की वो, और इन्हें जरूर से आप कंसिडर कीजिए। इसमें काफी टॉप में, जैसे देखो मैंने बताया था कि 2022 तक के सोल्यूशन मिलेंगे, ये टीयर 1 के सोल्यूशन है, और इसी प्लेलिस्ट में आपको टीयर 1 2022 सीजीएल के चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ये सीपीओ के सोल्यूशन है, टोटल 9 वीडियो इसमें मिले हैं। ये आप देख सकते हो आदित्य रंजन सर की ईबुक है, और ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की, और वैसे ही एमटीएस से लेकर रेलवे CBT 2 ये सब मैंने सॉल्व किया है, आप जरूर से जाकर इन वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि इफ इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉई इज रेट 350, एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉयज इज 450 पर एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये फिर से आ गया आपका एलिगेशन पे, रिमेनिंग स्टाफ जो है उनका, हालांकि ये एलिगेशन पर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें 3-3 चीजें दे दिया, तो एलिगेशन पर जाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर जो ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई करें। फिर भी एलिगेशन ईजी लग रहा है, देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर ₹350 जो दिया, ये टोटल एवरेज हो गया,
ठीक है, यानी कि ग्रुप एवरेज 10 जो वरिष्ठ हैं यानी कि सीनियर इंप्लॉइज हैं उनके 450 हैं, तो ये सीनियर मैंने लिख लिया, ये जूनियर लिख लिया, सीनियर के 350 हैं, जूनियर के 250 हैं और ओवर सीनियर के 450 हैं सॉरी, और ओवरऑल जो ग्रुप का है या पूरी कंपनी के इंप्लॉइज का वो 350 है, आप माइनस कर लो, ये 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, यानी कि जो नंबर का रेशियो आ गया ये 1:1 आ गया। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ सीनियर इंप्लॉइज ये 10 यूनिट है, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, सॉरी 1 की वैल्यू जो 10 यूनिट हो गई, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है और टोटल पूछा जाए तो ये एक और ये एक, टोटल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट, और यही अपना आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, इसमें आपको दे रखा है 5 विषयों से राकेश के पहले 3 विषयों का औसत 75 था, अंतिम 3 विषयों का 82 था, यदि तीसरे विषय में उनके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों के औसत अंक उसके कितने थे। ठीक है, अब फिर से हम बेसिक फॉर्मूला एवरेज का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो 5 विषयों में पहले 3 विषयों का टोटल सम निकाल लो। आपको पता होना चाहिए कि जो सम होता है यानी कि योग होता है, ये होता है एवरेज इंटू का नंबर, यानी कि औसत गुना में उनकी संख्या, कितनी संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो देखो 3 विषयों का औसत 75 था तो इनका सम हो जाएगा 75 × 3 प्लस लास्ट के 3 विषयों का 82 था तो ये 3 × 82 होगा, राइट। अब देखो ये 3 और 3 टोटल 6 संख्याओं का हमने निकाल दिया, लेकिन हमें तो 5 ही विषयों का बताना है, हमने 6 विषय का निकाल दिया, तो एक विषय जो कॉमन हो रहा है वो है तीसरा विषय, जिसका जो पार्टिकुलर नंबर है जिसमें या फिर मार्क्स है वो 66 है, तो उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि वो 2 बार हमने इंक्लूड कर लिया है, तो एक बार उसे हम माइनस करेंगे ताकि वो एक ही बार है। अब ये टोटल 5 संख्याएं हो गई। देखो यहाँ 3 मैंने लिया था, ध्यान समझना, यहाँ 3 6 ले लिया था मैंने, 6 विषय लिए थे हमने जबकि 5 ही विषय लेने थे, तो एक विषय जो 2 बार इंक्लूड किया गया उसको हमने माइनस कर दिया 66 को, और चूंकि संख्या 5 है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 × 3 = 15 225 होता है, वैसे आपको याद होना चाहिए, 3 × 2 = 6 और 8 × 3 = 24 और माइनस का 66/5, ये कितना आ जाएगा, इसी को माइनस कर लो आप, पहले इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40, इधर से माइनस कर लो 6 = 46 और 20 माइनस करोगे तो ये 180 बचेगा, तो ये ओवरऑल 405 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 × 48 और 5 एक बार में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल है एवरेज ऑफ 17 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 41, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब कॉन्सिक्यूटिव की बात करें यानी कि क्रमागत यानी कि लगातार की बात करें, तो आप ये समझ कर लो कि जो एवरेज वाला नंबर है ना यही सबसे बीच का वैल्यू है, और ये इन 17 क्रमिक संख्याओं में सबसे बीच वाला ये है, सबसे बीच में कौन सा आएगा, 8वां नंबर। ठीक, अब ऐसे सवाल को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। देखो ये जो एवरेज दे रखा है ये मिडिल नंबर होगा हमेशा, तो ये 41 लिख लेना है और जितने भी नंबर्स हैं उसको हाफ कर लेना है आपको, इसमें से एक कम करके, बेसिकली 17 का हाफ नहीं हो रहा है तो आप 16 का हाफ कर लो इससे नीचे वाले का। ठीक है, 16 का हाफ करोगे 8 आएगा। अब देखो इसमें जब आप 8 प्लस करोगे तो ये 49 आ गया और ये आ गया आपका लार्जेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और अगर इसी 41 में से आप 8 को माइनस करोगे इसी 8 को तो ये 31 आएगा जो कि हो गया आपका लीस्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो आपसे पूछा गया था, तो 33 आंसर होगा और ये ट्रिक याद रखना बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये सवाल है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो 33/2 है ये पूरे 10 का, ठीक है, पहले 3 का बताना है तो इसमें से 7 का आपको माइनस करना पड़ेगा, तो जो पूरे 10 का आप इतना × 10 कर लो ये पूरे का हो गया, और माइनस 7 का करोगे 10, इसी से मल्टीप्लाई करोगे 33/2 से और डिवाइड कर दोगे कितने से। अब देखो 3 का बताना है तो 3 से डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है, ये 33/2 तो कॉमन है तो डायरेक्ट इसी को माइनस कर लो, 10 में से 7 गया 3 और उस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा। ये गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट इसको हटाओ, ऐसे करना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव दे रखा है, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब ये लगातार संख्या है तब तो इजी ही हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर लो, देखो लगातार संख्या मैंने बताया कि जो एवरेज देता है दिया जाता है वो बीच का नंबर है, 10 संख्याएं हैं मान लो, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये बीच का नंबर हो गया, फिर इधर 5 संख्याएं आएंगी यही होगा, तो जो बीच का नंबर है वही 33/2 है, 33/2 का मतलब हो गया 16.5। ठीक है, ये बीच का नंबर है, लेकिन यहां पर ये सारे इंटीजर्स दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं, तो ये कोई पार्टिकुलर इसमें का नंबर होगा भी नहीं क्योंकि 5 संख्याएं इधर हुई 5 संख्याएं इधर, 10 पूरी हो गई, ये मिडिल नंबर है 16.5, तो इसके पहले वाला जो पूर्णांक संख्या होगा ना इंटीजर वो 16 होगा, उसके पहले वाला 15, उसके पहले वाला 14, उसके पहले वाला 13, उसके पहले वाला 12। ठीक है, और इस तीनों का एवरेज बताना है, तो इस तीनों में जो बीच में है वो एवरेज हो गया क्योंकि ये
कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जो बीच वाला नंबर हुआ वो एवरेज बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर में ये कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज रेट 7000, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 7750 रुपीज, एवरेज मंथली इनकम ऑफ सी एंड ए दिया हुआ है, तो आपसे इनकम ऑफ बी पूछ रहा है मंथली का। करना क्या होगा, देखो जैसे मान लो मैं ए प्लस बी अगर लिखूं तो ए और बी का एवरेज 7000 है, तो इनका सम होगा इतना इंटू टू, 7000 गुना में दो, ये हो गया 14000, ठीक है। या आप सब में दो कॉमन ही आ रहा है, तो आप एक काम करो इसको ऐसे लिख लो कि ये 7000 हो गया और गुना का दो हो गया, फिर बी प्लस सी ऐसे ही लिखोगे तो ये 7750 गुना दो हो जाएगा, और सी प्लस ए अगर आप लिखोगे तो ये हो गया 6750 गुना में दो, ठीक है। अगर सबको आप ऐड करते हो तो देखो ये बी दो बार है, सी भी दो बार, ए भी दो बार, तो ये टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इधर दो कॉमन ले लो सब में, तो इस दो से ये दो कट जाएगा कॉमन होके, तो जो बचता है उसी को बेसिकली प्लस करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो 50 और 50 100, तो यही हो गया, तो लास्ट में दो जीरो आ गया, ठीक है। फिर 7 और 7 14 और 1 15, फिर बच गया 1, और 7 7 14 और 1 15 और 6 21, इतना आ गया। तो अब हमें चूंकि केवल बी की वैल्यू बतानी है, तो 21500 में से हमें ए और प्लस सी की वैल्यू को माइनस करना होगा, तभी तो बी केवल बचेगा ना, ए और सी माइनस करना होगा, तो ए और सी कितना आया था, ये ए और सी का वैल्यू है, देखो कितना है भाई, 0 का 0 और 5 दुना 10 का 0 और 7 दुना 14 और 1 15, 6 दुना 12 और 13, ये माइनस कर दो, तो 21 में से 13 जाएगा तो 8, यानी कि 8000 आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर पे, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज 50, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स इज 55 और फेल स्टूडेंट का 35 है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ पास्ट एंड टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर एलिगेशन यूज कर, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में करा भी रखा है। देखो जैसे मान लो पास और फेल मैं इधर ले लेता हूँ, पास का जो एवरेज है वो है यहाँ पर 55 और जो फेल का है वो है 35, और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो है 50। अब आप माइनस कर लो ऐसे, तो ये आ जाएगा 15 यूनिट और ये आ जाएगा 5 यूनिट, ये काटोगे तो 5 थ्रीजा और ये 1 आ गया। ये बेसिकली अभी नंबर का रेशियो गिवन है, लेकिन आपको नंबर का रेशियो नहीं बताना है, उनके मार्क्स का रेशियो बताना है, ठीक है। तो मार्क्स कैसे लिखोगे, देखो तीन स्टूडेंट पास हैं और इनके मार्क्स कितने कितने हैं, 55 55, तो इनका टोटल हो गया 55 × 3, और ये फेल वाला एक स्टूडेंट है इसका मार्क्स कितना है 35। अब काट लो ये 11 × 5 = 55 और ये 7 × 5 = 35, तो 11 × 3 = 33 और 7 आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक किया हुआ है सेम इसी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है ध्यान से तो जरूर वापिस से देख लें। 16 संख्याओं का औसत 35 है, बाद में पता चला कि चार संख्याएं इतना 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 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी, इनको हटा देने के बाद नया औसत क्या होगा। देखो एवरेज अगर 35 है दोस्तों, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि चलो एवरेज 35 ही है, अब जो गलती से ली गई थी इनको तो हटाना पड़ेगा भाई, और जब इनको हटाओगे तो इनके जाने से कितने का नुकसान होगा ये देख लो। देखिए एक तो बेसिक तरीका अपने पास हो जाएगा कि आप डायरेक्ट इसको इतना इंटू 35 कर लो और इन सबको माइनस कर लो और फिर डिवाइड कर दो 12 से, या ऐसे आप लो कि देखो 35 अगर एवरेज था पहले से, इसका मतलब सारे नंबर्स 35 35 थे, अब पहला 18 गया, जाना था 35 लेकिन गया 18, तो वो कितना छोड़ के चला गया भाई, 17 छोड़ के चला गया, ठीक है। 17 अगला नंबर है, अगर 17 को आप निकालोगे तो ये 18 छोड़ के चला जाएगा, हम 35 से कंपेयर कर रहे हैं। अगला 24 जा रहा है, 24 जाएगा तो ये देखो 6 और 5 11 छोड़ के चला गया, और जो 35 गया वो तो पूरा अपना 35 लेके चला गया, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, उसको जाने दीजिए, ठीक है, वो अपना हिसाब बराबर करके गया है। इन सबका सम कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 17 × 34 और 1 = 35 और 11 = 46 हो जाएगा। तो अब जो नंबर्स बच गया ना, उनमें 46 बराबर बराबर बट जाएगा। देखो 16 में से चार संख्याएं चली गई तो 12 संख्याएं रह गई, तो 46/12 ये कितना हो जाएगा, 12 × 36 और पॉइंट समथिंग 3 point something आ रहा है, इतना 35 में प्लस हो जाएगा, तो 35 × 3 = 38 point something आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है, क्रमबद्ध यानी कि कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। अब ये कह रहे कि यदि बीच की दो संख्याओं का औसत इतना है तो पहली 6 संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर से, तो मान लेता हूं कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर यहाँ पे आएगा छठा नंबर, और फर्दर आगे आएंगे 10 संख्याएं टोटल, ठीक है। अब चूंकि ये एवरेज है 13.5, तो ये सबसे मिडिल नंबर होगा, सबसे मिडिल नंबर पांचवे और छठे के बीच में आएगा, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स नंबर के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा ये, अगर 13.5 है तो इसका आगे वाला नंबर यानी कि सिक्स वाला जो नंबर होगा ये 14 होगा,
ठीक है, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं। इससे पहले वाले 13.5 के पहले 13 आएगा, ये फिर 12, फिर ये 11, फिर ये 10 और ये 9। तो पहला संख्या 9 और आखिरी छठा संख्या जो 6th नंबर है वो आ गया अपने पास 14। तो एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि 14 और 9 23/2, ये एवरेज हो गया कितनी संख्याओं का भाई, टोटल 6 संख्याओं का। अब सम लिख दो, सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू में नंबर, तो ये 23/2 एवरेज हो गया 6 संख्याओं का, तो 2 × 3 = 6 और 23 × 3 हो गया 69, यानी कि 69। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। अब 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 6 क्रमागत अगर सम संख्या है तो सबसे छोटी यानी कि पहला नंबर और सबसे बड़ी यानी कि आखिरी नंबर। और एवरेज निकालने का जो तरीका होता है ये भी होता है फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2। जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट और सबसे बड़ा यानी कि लास्ट बाई 2, ये एवरेज के बराबर होता है। और एवरेज यहाँ पे 32 दे ही रखा है तो ये 32 हो गया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट निकालोगे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 34, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट्स इज 34 एंड द ऑफ लास्ट 50 स्टूडेंट्स इज 32, व्हाट इज द वेट ऑफ 50th स्टूडेंट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे, देखो टोटल 100 विद्यार्थियों का सम निकाल लो, योगफल नंबर और गुना में औसत, तो ये हो गया 3400 माइनस 49 छात्रों का निकाल लो, 34 गुणा में 49 तो ये हो जाएगा 34 और गुणा में 49, और माइनस अगले 50 छात्रों का 32 32 32 सबका है तो ये हो जाएगा 50 और गुणा में 32। ये आ गया देखो आपके पास 3400 और माइनस में यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, सबसे बेटर होगा यहाँ पे। जैसे मान लो ये 32 है, आप देखोगे 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, या 9 × 4 = 36 6 आ जाएगा, और इसका 0 है, 0 मीन्स 10 ले लो आप या 20 ले लो, तो 10 में से 6 जाएगा 4, जिसके लास्ट में 4 होगा वो आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आना है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स, एक मिनट, स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट वर 55, 3 का जो एवरेज है वो 55 है, व्हेन 2 मोर स्टूडेंट्स वर एडेड द न्यू एवरेज मार्क्स वर रिड्यूस्ड बाय 5, 5 से एवरेज कम हो जाता है, बी का स्कोर 15 मार्क्स ज्यादा है ए से, तो ये कह रहा है कि ए का मार्क्स कितना है। देखो इसका आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ये समझ लो कि 3 लोगों का जो एवरेज था वो 55 था, ठीक है। अब जो 2 लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जो ए और बी हैं, इनके आने से 5 कम हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये अगर 55 55, ए और बी की मैं बात करूं, अगर ये 55 55 लाते यानी कि 110 लेकर आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से 5 कम हो गया है, कितने लोगों का, देखो 3 छात्र पहले से थे, 2 और आ गए, यानी कि टोटल 5 विद्यार्थियों का 5 5 कम हुआ, यानी कि 25 कम हुआ, तो ये 110 से 25 कम लेके आए थे, यानी कि ए और बी का जो योगफल है वो 110 से 25 कम है, यानी कि 85 है, राइट। अब इसमें से देखो ये कह रहा है कि बी जो है वो 15 ज्यादा है, इसमें से 15 अलग कर दो, भाई 15 अलग करोगे तो ये बच जाएगा 70 और इसको हाफ ऑफ कर दो 35 35, ठीक है। तो सबसे छोटा यानी कि ए का वैल्यू हो गया 35, बी का वैल्यू पूछे तो 35 में 15 और दे दो क्योंकि उसके 15 ज्यादा है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब जब भी प्राइम नंबर्स की बात आती है तो यहाँ पर एक ही इकलौता उपाय है आपके पास कि वो प्राइम नंबर्स लिख डालें, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, 30 के बाद 31 पहला नंबर, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 33 34 35 36 37, ठीक है, फिर 41, फिर आ जाएगा 43, फिर आ जाएगा 47, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ और है बचा हुआ है। इन सब का सम ले लो, अगर इनको ऐड करोगे तो ये 199 आ जाएगा, और ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 5 × 4 = 20, लगभग 4 आएगा, वैसे 5 × 3 = 15 और फिर 4 × 9 तो 5 × 45, 39 से जो भी ऑप्शन शुरू हो रहा है वो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज एंड 5 इज एडेड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 वैल्यूज, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देख लो ओवरऑल चेंज क्या हुआ ये समझ लो आप। जैसे मान लो पहले से एवरेज 36 था, हमने मान लिया कि 36 है, अब ये कह रहे हैं पहले 3 लोगों में 4 4 कम कर दिया गया तो 3 × 4 = 12 की कमी आ गई, अगले 5 में 5 5 जोड़ दिया गया तो 5 में 5 5 जोड़ोगे तो 25 बढ़ेगा ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल अभी भी 13 यूनिट बढ़ रहा है। 13 यूनिट कितने लोगों के लिए भाई, 8 मानते, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो, सब में कितना कितना बढ़ेगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एक बार में और पॉइंट 5 और 0 तो 8 × 48,
लगभग 1.6 बढ़ेगा, इसमें 1.6 ऐड करोगे तो 37.6। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये कह रहा है कि देखो एक्स वाई एंड जेड आर थ्री वैल्यूज सच दैट एक्स प्लस वाई इतना गिवन है, वाई प्लस जेड ये सब दिया है, तो एक्स वाई और जेड का एवरेज बताना है। यू नो द मीनिंग ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई थ्री, राइट। अब ये निकालना है तो हमें किसी भी तरह से एक्स वाई और जेड का सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसको इसको और इसको प्लस कर देते हैं। अगर सबको प्लस करोगे तो आपको पता है कि ये टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड देगा, और इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे 29 और इसमें 19 ऐड करोगे तो आ जाएगा 48। मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आ गया ये आ गया 24, और अगर 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये 12 आ जाएगा, जो कि है नहीं ऑप्शन में, हालांकि डिवाइडेड बाई 3 निकालना था ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 8 आएगा, इसीलिए 12 नहीं था। देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बहुत मेहनत हो रही है वीडियो बनाने के लिए, जॉब में रहते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि किसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम बचा करके आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ूं, उनकी रिप्लाई करूं, जो आप डाउट्स भेजते हैं इंस्टाग्राम पे उसे सॉल्व करूं, और साथ ही साथ वीडियो भी बनाऊं। ठीक है, वीडियो बनाने में भी आपको पता है कि एक मैं कई बार बताता हूं वैसे कि आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत लगती है, तब जाके आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ड्यूटी करते हुए इतना काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तभी कर पाता हूं जब आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलती कैसे है, आपके कमेंट्स से, जब आप कमेंट्स करते हो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते हो। तो आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे हैं और हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की मैं बात करूं, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 53। अब ये कह रहा है कि अ नंबर इज रिमूव्ड एंड द एवरेज ऑफ 14 नंबर्स नाउ बिकम्स 55, तो जो नंबर रिमूव हुआ है वो कितना है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। देखो 15 संख्याओं का औसत 53 था, तो जिसको हटाया गया अगर वो भी 53 ही होता, उसका वैल्यू ही 53 होता, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो एवरेज 55 हो गया, यानी कि एवरेज 2 बढ़ गया है, कितने लोगों का भाई, 14 संख्याओं का, यानी कि ओवरऑल 28 बढ़ गया है। 28 बढ़ने का मतलब कि जिसको भगाया गया भाई वो 53 नहीं था, वो 53 से 28 कम ही था, तो इसमें से 28 को माइनस कर दो तो 13 में से 8 गया, लास्ट में 5 आएगा, यानी कि 25। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होगे। देखो अगर ये सारे तरीके नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा 2 वीडियो एवरेज का है, जो आप जरूर से देख लो, और ये बहुत पहले का है, मैं इनका लिंक स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये आपका थंबनेल जो है इसका, उस पर लिखा होगा टॉप एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, और ये मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन कराए थे जब CHSL का पेपर होने वाला था, और CGL का आई थिंक 2021 में। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 9। अब आज का पहला होमवर्क मैं ये देता हूं, फिर भी अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं बने तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, एनके मैथ्स, ये आईडी है इंस्टाग्राम की। ठीक है, अब ये होमवर्क का आंसर कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है #NKMaths। ठीक है, आप @NKMaths भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम इसमें स्पेस कहीं नहीं रहना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 22 लिख के और इसका आंसर लिखना है ABCD, वॉट एवर यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि इन अ कंपनी एवरेज एज ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इज 34, एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज 32, इफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज सेम देन व्हाट विल द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय। एलिगेशन सीधे सीधे लगा दो, देखो ये मेल ये फीमेल, मेल का एवरेज जो है वो कितना है, फीमेल का दिया है 24 है, ठीक है, और सभी का कितना है 32 है, और मेल का हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको माइनस करेंगे हम, लेकिन दोनों का नंबर सेम दे रखा है, यानी कि जो नंबर का रेशियो होगा वो सेम होगा, 1:1 का होगा, इसको माइनस कर लो आप। देखो ये माइनस करोगे तो 8 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ भी 8 ही रहा होगा, ये 32 से 8 कम है तो ये वाला ज्यादा होगा, इसमें 8 ऐड कर लो 40 आ जाएगा ना, मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ये कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 24 इयर्स, इफ द एज ऑफ कोच इज आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 2, व्हाट विल द कोच, क्या है बताना है कि एज क्या होगा। देखो पहले से एज जो है एवरेज वो 24 है, कोच भी अगर 24 साल के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज तो 2 बढ़ा है, कितने लोगों का भाई, 12 खिलाड़ी थे और एक कोच, यानी कि 13 लोगों का 2-2 बढ़ गया तो 26 बढ़ गया, इसका मतलब कि 24 से 26 ज्यादा है उनका
एज किसका कोच का, तो 50 हो गया, 50 साल के थे कोच साहब जो भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार ने लगातार 4 महीनों के लिए इतना इतने इतने और इतने रुपए की बिक्री की है, 5वें महीने में कितनी बिक्री की जाए कि 9000 उसका एवरेज हो जाए। देखो भाई, 9000 बनाने के लिए हम सबको मान लेते हैं कि सबका जो वैल्यू है वो 9000 होना चाहिए था, तो पहले का 10000 है यानी कि वो 1000 ज्यादा है, ठीक है, तो वहां इसको 1000 लगाने की जरूरत नहीं। या फिर आप निगेटिव भी लेके चल सकते हो, जैसे मान लो कि जो एवरेज है वो 9000 होना है, ठीक है, और पहला जो महीना है उसमें इसे 10000 की कमाई हो रही है या फिर 10000 की सेलिंग हो रही है, तो वहां इसके पास कितना बच रहा है, 1000 बच रहा है, यानी कि वहां 1000 कम ही लगेंगे, इसके माइनस है, ठीक है। ये देखो 7500, यानी कि यहां पर इसको खुद से देना पड़ेगा कितना भैया, 1500, ठीक है, और 8000 यहां पर इसको कितना देना पड़ेगा भाई, 1000 देना पड़ेगा, और ये 10500 यानी कि 1500 ज्यादा है, तो वहां ये 1000 देना पड़ेगा और ये 1500 ज्यादा है, तो 1500 कम हो गया। तो ओवरऑल देखो 1000 और 1500, 2500 प्लस का और 2500 माइनस का, ये जीरो डेविएशन आ गया। जीरो डेविएशन का मतलब है कि जितना चाहिए उतना ही वैल्यू लाना है, 9000 ही लाना है। अगर कुछ कम या ज्यादा होता तो उतना हम एवरेज में भी कम या ज्यादा कर लेते। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हो। ये कह रहा है कि आर, पी और के का औसत वजन 40 है, यदि पी के का औसत इतना है, आर के का औसत इतना है, तो के का औसत कितना होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आर प्लस पी प्लस के कितना है, तो आप बोलोगे कि ये 40 × 120 है। अगर मैं पी प्लस के की अगर बात करूं, तो यहां से आप बोलोगे 45 × 90, दो लोगों का अगर एवरेज 45 है तो इनका सम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आर प्लस के भी आपको मालूम है कि ये 70 है, 35 का डबल। के का वजन पूछ रहा है, यानी कि देखो इसमें से आर और पी माइनस करना है आपको, यही बात है, आर और पी ही माइनस करना है, या फिर आप चाहो तो सबको प्लस भी कर सकते हो। अगर सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आप बताओ, इन दोनों को ही प्लस कर दो। चलो इनको प्लस करो तो ये आ जाएगा पी प्लस के प्लस आर और प्लस एक बार और किया जाएगा, और 9 × 7 = 16 आ गया। अब पी के आर तो आपको मालूम ही है कि 120 है, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, तभी तो ये 160 बनेगा ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 26 का डी आंसर आया था, 27 पे आते हैं हम। 27 की बात करोगे तो एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत 50 अंक है, उत्तीर्ण छात्रों का 70 है, अनुत्तीर्ण का 30 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये पास हो गए, ये फेल हो गए। पास का एवरेज जो है वो 70 है, फेल का एवरेज कितना है 30, और सब का एवरेज कितना है 50। ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये आएगा, ये भी 20 आएगा। लो भाई ये तो बराबर बराबर आएगा, नंबर इनका बराबर बराबर आ गया, यानी कि 120 को आधा आधा कर दो, 60-60 छात्र हुए, ठीक है, आधे पास और आधे फेल। आगे बढ़ते हैं 28। एक आदमी पहले 4 महीनों के लिए औसतन इतने रुपए खर्च करता है, अगले 8 महीने के लिए इतने, और सालाना इतने रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय बतानी है। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे कि इनकम क्या होता है, इनकम कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर और प्लस की सेविंग, यानी कि खर्च प्लस बचत। खर्च कितना है उसके पूरे 12 महीने के, यानी कि एक साल का खर्च, देखो 2300 रुपए खर्च करता है वो पहले 4 महीनों में, 2300 × 92 रुपए यहाँ पे खर्च हो गया। केवल मैं एक्सपेंडिचर की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी एक्सपेंडिचर ही लिखूंगा। अगले 8 महीने वो 1800 रुपए खर्च करता है, तो 18 × 8 = 144, 20 इतना रुपए वो खर्च कर दिया, ठीक है। और सेविंग कितनी है इसकी, सेविंग है साल के लास्ट में 12400 रुपए की, तो 12400 ये टोटल इनकम आ रहा है। ये 12 महीने का इनकम है, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली इनकम आ जाएगा, सबको प्लस कर लो तो ये 400 और ये 400 800 और ये 200 1000, 1000 का मतलब हो गया 1000, ठीक है, तो यहाँ पे 00 आ गया, 10 और 30 आ गया, 1 यूनिट बचा, तो ये 2 × 1 = 3 × 4 = 7 × 9 = 16, ठीक है, और 1 × 1 = 2 × 1 = 3 इतना आ गया। इसको 12 महीने से डिवाइड कर दो तो 12 × 3 = 36, 3000 रुपए उसकी इनकम थी मंथली की, ठीक है, तो 28 का बी अपना हो गया। 29 की बात करें, देयर आर 5 नंबर्स वेयर फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकेंड नंबर एंड 2/3 ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 60, इफ द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे लिखना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे आप बात करो, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट नंबर डबल ऑफ सेकंड का है, ये हो गया, मैं ABCD लिखता हूँ, ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि देखो पहला जो है वो दूसरे का डबल है, और 1/3 है वो तीसरे संख्या का, ठीक है। अच्छा मान लो तीसरे का 1/3 है,
यानी कि ये थ्री है तो ये एक होगा। चलो मैं मानता हूं कि इसको छह मान लेते हैं, ये छह हुआ तो ये कितना होगा, दो होगा, वन थर्ड उसका हो गया, ठीक है, यानी कि थ्री से डिवाइड, अच्छा सॉरी टू थर्ड है, तो सिक्स का अगर टू थर्ड निकालोगे तो तीन दुना छह, ये चार हो जाएगा, ठीक है, तो थ्री ही रखना चाहिए था, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये ई है, इसको मैं थ्री ही ले लेता हूं जब टू थर्ड की बात है, तो ये अगर थ्री होगा तो थ्री का टू थर्ड टू होगा, तो ये टू हो गया, और ए जो है वो बी का दूसरे का डबल है, तो बी एक होगा तभी इसका डबल ये होगा, ठीक है ना। अब ये भी कह रहा है कि इफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स यानी कि डी प्लस ई की बात करें तो ये 120 दे रखा है, तो इनका सम कितना होगा, ए बी सी का सम कितना होगा, देखो छह संख्याओं का, पांच संख्याओं का औसत अगर 60 था तो इनका सम कितना हो जाएगा, 60 गुना में 5 यानी कि 300, 300 में से अगर डी ई 120 है तो 120 माइनस करोगे तो 180 इन तीनों के लिए बचता है, ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, देखो यहां से दो और एक, तीन और तीन, छह की वैल्यू अगर 180 यूनिट है तो एक की वैल्यू 30 यूनिट आ गई, ठीक है, और आपसे तीसरी संख्या का मान पूछ रहा है यानी कि तीन की वैल्यू, तो तीन की वैल्यू 30 या 90 यूनिट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसकी अगर बात करें तो पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, अगर अगली पांच सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो मान लो मैं ये बात कर रहा हूं, आपको ये पता होनी चाहिए कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर ए है, अच्छा अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगी, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन प्लस वन होता है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग से ही मान लेता हूं, चलो कि शुरू से ही पहले जो पांच सम संख्या है उनका औसत कितना होगा, एन की जगह पर अगर मैं पांच पुट करूं तो पांच और एक छह होगा, ये पहले केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि अगली पांच संख्याएं और लेनी है, यानी कि टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी शुरू से, तो शुरू से 10, अब n का मान जब 10 है तो एवरेज कितना होगा, n प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, तो अगली बार एवरेज 11 हो गया, तो देखो एवरेज कितना बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया, तो यहां भी ए से एवरेज 5 बढ़ जाएगा, यानी कि ए प्लस 5 हो जाएगा। आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं, ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 है, एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 11 का इतना हो जाता है, तो ये भी अब होमवर्क हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया है इस वीडियो में। अगला है एक्स वाई द्वारा प्राप्त औसत अंकों का औसत वाई जेड द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है, जेड द्वारा प्राप्त अंक इतना है, तो एक्स का अंक क्या है, एक्स प्लस वाई बाय टू, ये एवरेज हुआ इनका। ये कह रहा है कि ये जो है ये वाई और जेड के एवरेज से 35 कम है, ठीक है, यानी वाई प्लस जेड बाई टू से कितना कम है, 35 कम है। अगर मैं इनको इधर लेके आ जाऊं तो आप ये समझोगे कि ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड बाई टू, इसकी वैल्यू आ गई 35। अब देखो यहां से होगा क्या, y कैंसिल आउट हो गया, x माइनस जेड की वैल्यू आ गई 35 दुना 70, जेड आपको दे ही रखा है कि ये 85 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 35 था तो ये माइनस का 70 होगा, ठीक है, तो अब जेड उधर प्लस में चला जाएगा तो ये वैल्यू 15 ही रह जाएगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव है ना। अगला सवाल है आपके पास, ये कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50, ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट इज 55 और फेल का 30 है, तो व्हाट विल द एवरेज मार्क हूं फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा देखो यहां पर हूं फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर 32, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हूं फेल इन द एग्जामिनेशन, क्या कहने की कोशिश। अच्छा एक जगह नंबर दे रखा है, ये नंबर है, देखो एलिगेशन यूज कर लेते हैं, पहले आप ये देखोगे कि ये पास हो गया ये फेल हो गया, पास का एवरेज कितना है, यहाँ पर पास का एवरेज है 55, ठीक है, फेल का एवरेज हमें मालूम नहीं, वो बताना ही है, और टोटल का एवरेज जो है वो यहाँ पे दे रखा है 50। नंबर की बात करें यहाँ पर तो टोटल नंबर 80 है, उसमें से जो फेल हुए हैं उसका नंबर 30 है, तो पास और फेल का अगर मैं नंबर में रेशियो निकालूं तो देखो फेल वाले अगर 30 है 80 में से तो पास वाले 50 रहे होंगे, यानी कि 5 और 3 का यहाँ पे रेशियो आ गया। अब देखो अगर मैं इसको माइनस करता हूं जो हमें मालूम है, इसका डिफरेंस लेता हूं तो ये 5 यूनिट है, आप देखो कि 3 की वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो 1 की वैल्यू 5/3 होगा, तो 5 की वैल्यू 5 × 25 होगा, 25/3 कितना होता है, 3 × 8 = 24, 8.33 होता है। अब 50 से ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 50 में से 8.33 माइनस होगा, तो पहले 50 में से 8 माइनस करो तो 42 आएगा, 42 में से 33 माइनस करोगे
तो ये 41 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द एवरेज रन स्कोर्ड बाई अ बैट्समैन इज इन सेवन मैचेज इज 49, इन अदर 9 मैचेज एवरेज इज 27, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाई द बैट्समैन इन दीज 16 मैचेज। ग्रुप एवरेज हो गया पहले क्वेश्चन जैसे, 7 मैचों में इसने 49 रन बनाए और अन्य 9 मैचों में इतना, तो ग्रुप एवरेज मैंने बताया था N1A1, तो ये 7 गुणा में 49 हो जाएगा और प्लस 9 गुणा में 27, और टोटल कितने मैचेज हैं भाई, 16 मैचेज हैं, तो 16 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया देखो, 7 में 63 और 7 चौके 28 और 6 34, ठीक है। और इधर देखो तो ये हो गया आपका 9 से 63 और 9 दुना 18 और 6 24 और बटा 16, तो ये 3 और 3 6 4 और 4 8 और 5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया 16 3 48, फिर 10 और 6 तो 16 छक्के 96, 36 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि ऑप्शन ए 36 से, और कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट्स जरूर से करना जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य अपने आप जो कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने चैनल NK मैथ्स को जरूर से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करके लाइक जरूर करना है, ठीक है। जितने लोग देखें उसमें से 50% भी लोग लाइक करते हैं तो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू।